हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो के अंदर। क्या आप लोग देख रहे हैं कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी पुष्कर के अंदर और आपको नई मिल रही है? तो आज मैं आपको लेके आया हूँ सज्जन बाग द हेरिटेज रिजॉर्ट के अंदर। आपको मेरे पीछे तो अभी ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा होगा, फूल पत्ती दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको भी दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, डिसेंट प्रॉपर्टी है। और अगर हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंदर आपको आने की इच्छा है और आप चाहते हैं कि जैसे पुष्कर आए हो आपको हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंदर आना है, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए है। सबसे पुरानी प्रॉपर्टी पुष्कर की और सबसे बेहतरीन हेरिटेज के अंदर यही प्रॉपर्टी है। तो आइए मेरे साथ में प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। जैसे आप मेरे पीछे एक पाथवे देख रहे होंगे और एक बार मैं आपको दिखाऊंगा चारों तरफ से इस प्रॉपर्टी का। एक बार आप व्यू लीजिए, एक लुकआउट लीजिए किस तरीके की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। अभी मैं आपको इसके सारे रूम्स और सब कुछ आपको दिखाऊंगा, तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको इस प्रॉपर्टी का कॉटेज दिखाता हूँ कि कॉटेज किस तरीके का हमको इस प्रॉपर्टी का देखने को मिलता है। तो आइए मेरे साथ में, कुछ इस तरीके का आपको एक प्रॉपर्टी का कॉटेज देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। और इस कुछ एंट्रेंस आपको इस प्रॉपर्टी में कॉटेज देखने को मिलती है। आपको एक सेपरेट कॉटेज अपना देखने को मिलता है, जो आपको बाहर एक सिटिंग आपको एरिया देखने को मिल रहा है कॉटेज का। इधर आप आराम से अपना एंजॉय कर सकते हैं। पास में आपको एक छोटा सा गार्डन एरिया देखने को मिलता है, वहाँ पर भी अपन अभी चलेंगे। फिलहाल आइए मेरे साथ में। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपको कॉटेज का रूम देखने को मिलता है, आप आइए मेरे साथ में। सबसे पहले आपको एक बहुत ही, पहले रूम मत देखिए, पहले आप इसका एरिया देखिए किस तरीके का ये रूम बना हुआ है। ऊपर से पूरा मतलब एक छोटा सा कॉटेज है और हेरिटेज का जो लुक आना चाहिए वो पूरा इस प्रॉपर्टी में लुक देखने को मिलता है। आपको इधर फोटोज़ देखने को मिलती है, राजस्थानी फोटोज़ आपको इधर देखने को मिलेगी। आप चारों तरफ देखेंगे यहाँ पर भी आपको फोटोज़ देखने को मिल रही है। सामने जैसे राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे बने हुए, और कुछ इसी तरीके से साथ में आपको विंडो देखने को मिलती है। जब आप विंडो ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से पूरा ओपन करके आप पास में गार्डन एरिया उसका भी एक लुक देख सकते हैं। जब आप आएंगे तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। दो जनों के लिए आपको सिटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। टीवी कैबिनेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, अच्छा खासा टीवी कैबिनेट देखने को मिलता है। आपको अपना बेड देखने को मिलता है। मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ कि किस तरीके का आपको इसका वॉशरूम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आपको क्लोजेट देखने को मिलता है, सारा सामान आप अपना रख सकते हैं यहाँ पर। और कुछ इस तरीके का आपको आपका वॉशरूम देखने को मिलता है, बहुत ही स्पेशियस बड़ा अच्छा खासा वॉशरूम आपको देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये आपको मिलता है कॉटेज रूम यहाँ पे देखने के लिए। अब हम चलते हैं आपको इसका माउंटेन व्यू का रूम दिखाने के लिए, कि आपको मैं बताता हूँ कि इसका माउंटेन व्यू का रूम कैसा देखने को मिलता है। बट जो नकाशी आपको इस रूम में देखने को मिल रही है, यही इस चीज़ की सबसे खासियत है, मतलब रूम्स की और इस प्रॉपर्टी की। हेरिटेज का मतलब ही यही है कि जो राजस्थानी कल्चर है वो आपको देखने को मिले। तो वही आगे आपको मैं लेके चलता हूँ आगे, और आगे वाले रूम्स में दिखाता हूँ कि और आपको इसके अंदर प्रॉपर्टी में क्या क्या देखने को मिलता है। आइए मेरे साथ में। दोस्तों, अब हम आज जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो रूम है, जो माउंटेन व्यू का रूम है, वो आपको कैसा देखने को मिलता है। सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लोर पहुँच चुके हैं, आपको मैं लॉबी दिखाता हूँ। तो आपको इस तरह की कुछ लॉबी देखने को मिलती है। अब जब आप उस तरफ देखेंगे तो जो मैं जिस चीज़ की बोल रहा हूँ माउंटेन व्यू की, वो व्यू आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके कुछ आपको व्यू देखने को मिलता है, आप आइए मेरे साथ में। जब आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप अपना अभी आपको रूम भी दिखाऊंगा, माउंटेन व्यू रूम कैसा देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप यहाँ पे आराम से बैठिए, इस व्यू को एंजॉय कीजिए, चाय कॉफ़ी पीजिए और मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए। सज्जन बाग रिजॉर्ट आइए, हेरिटेज रिजॉर्ट आइए और हेरिटेज का फुल मज़ा लीजिए यहाँ पर आके आप। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रूम अंदर से आपको कैसे देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके का आपको रूम देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस रूम, माउंटेन व्यू जो रूम है आपको बहुत ही स्पेशियस रूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको दो जनों की यहाँ पे सिटिंग देखने को मिलती है, और यहाँ से आप जब विंडो ओपन करेंगे तो सामने आपको अपना माउंटेन का व्यू देखने को मिल रहा है। बाहर से और अच्छा व्यू आता है, देखो सिंपल सी बात है, जो आप बाहर से देखोगे उसका अलग ही मज़ा होगा। पीछे आपको, पीछे भी आपको गार्डन एरिया देखने को मिलता है, मतलब आपको नेचर से रिलेटेड अगर आनी प्रॉपर्टी तो नेचर भी, आप चारों तरफ आपको पेड़ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो वो जिस तरीके का आपको रूम देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको कबर्ड देखने को मिल जाती है, जो भी आपका सामान लाओगे आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिरर एरिया देखने को मिल जाता है, टीवी कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ, किस तरीके का वॉशरूम आपको देखने को मिलता है। तो वो जिस तरीके का स्पेशियस वॉशरूम आपको देखने को मिलता है, हेरिटेज प्रॉपर्टी तो हेरिटेज से रिलेटेड जैसा ही आपको वॉशरूम मिलेगा। ज़्यादा अच्छा भी नहीं और ज़्यादा बुरा भी नहीं, साफ़ सुथरा अच्छा बाथरूम आपको वॉशरूम देखने को मिल रहा है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो आइए दोस्तों मेरे साथ में, थोड़ा सा मैं आपको बाहर का भी एक्सप्लोर कराता हूँ, आपको चीज़ें बताता हूँ और क्या क्या आपको यहाँ पे मिलती है। आपको पूल, बैंक्वेट हॉल, आप जैसे अगर शादी के पर्पज़ से भी आ रहे हैं और अगर आप शादी के लिए भी अगर प्रॉपर्टी देख रहे हैं पुष्कर के अंदर, तो आप मोस्ट वेलकम है सज्जन बाग आके। आप शादी अगर हेरिटेज प्रॉपर्टी में शादी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके शादी के लिए भी इनसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नंबर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको इनके मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आपको वेबसाइट का लिंक भी दूंगा जहाँ पर आप जाके इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर्टी बुक करनी हो तो नीचे ही आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप booking.com के ऊपर जाके प्रॉपर्टी भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका पूल एरिया, स्विमिंग पूल एरिया और गार्डन एरिया किस तरीके हमको देखने को मिलता है। आइए तो दोस्तों, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका पूल एरिया आपको कैसा देखने को मिलता है।
सबसे पहले तो यार देखो जो देखने की जो चीज है हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंदर, आप देखो कितना अच्छा आपको एक है ना एम्बियंस देखने को मिल रहा है। मतलब रात का तो अलग ही व्यू होगा, अभी मैं दिन में शूट कर रहा हूँ तो दिन के अंदर भी आपको कितना अच्छा एक एम्बियंस देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है लालटेन, मतलब इसमें है बल्ब वैसे तो, लेकिन फिर भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो आजकल नहीं देखने को मिलती है। तो आइए दोस्तों मैं आपको पूल एरिया दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपको पूल एरिया देखने को मिलता है, बहुत ही खुला अच्छा मतलब ओपन एरिया के अंदर आपको देखने को मिल रहा है पूल साइड, बहुत ही अच्छी साइड आपको देखने को मिलती है और बिल्कुल सेपरेट है। आप ये चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पे आपके कोई रूम्स नहीं है। अगर आप खाली पूल पार्टी करने के लिए भी आ रहे हैं और पूल पार्टी करने के लिए भी कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो रूम्स हैं वो प्रॉपर इस तरह सेपरेट हो गए और ये जो जगह है ये बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है। तो सेपरेट होने की वजह से क्या है कि आप पे आपको मतलब प्राइवेसी आपकी पूरी मिलेगी और यहाँ पे कोई रूम्स नहीं है, यहाँ पे आगे सिर्फ गार्डन ही है। तो आप इस तरीके को देख सकते हैं कितना आपको पूल एरिया, और सबसे अच्छी बात है क्लीन पूल एरिया आपको देखने को मिलता है। क्लीनिंग आप देखिए चारों तरफ क्लीनिंग बहुत अच्छी है, आपको रूम्स भी बहुत क्लीन देखने को मिलता है, पूल भी आपको क्लीन देखने को मिल रहा है। आप आइए मेरे साथ में, यहाँ पे आपको सिटिंग भी देखने को मिलती है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो इसके ऊपर आपको ऑब्वियसली से अभी तो बंद पड़ा है, मतलब यहाँ पे कोई है नहीं तो यहाँ पे स्किनों ने भी कुछ नहीं रख रखा, लेकिन आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर भी सामान मतलब आपकी जो चीज़ें आप चाहते हो रखना वो रख सकते हो। और कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर भी सेटिंग देखने को मिलती है, बिल्कुल ओल्ड डेज टाइप की सेटिंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आराम से आइए आप, जैसे आपकी फैमिली वाले आ रहे हो आप या फिर जैसे आप कोई चार पांच जने हो दोस्त हो, तो यहाँ पे आप अपना पूरा आराम से अपनी क्लोथ्स या खाने पीने के लिए आप सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट आपको इन हाउस ही मिलता है, रेस्टोरेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप यहाँ पे अपनी सेपरेट पार्टी कर सकते हैं। इसके पीछे आपको जस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको गार्डन एरिया देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप बाय चांस कोई शादी या किसी भी छोटे से फंक्शन के लिए आप आना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी गार्डन एरिया भी बुक कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का आपको गार्डन एरिया देखने को मिलता है पीछे यहाँ पे मेरे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका बैंक्वेट हॉल कैसे देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों मैं आपको बैंक्वेट हॉल में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बैंक्वेट हॉल दिखाता हूँ इनका। जैसे कि मैंने आपको पूल एरिया आपको दिखा दिया, गार्डन एरिया मैंने आपको दिखा दिया है, तो आपको मैं बैंक्वेट हॉल दिखाता हूँ। तो दोस्तों 200 से 250 जने का यहाँ पे आपकी गैदरिंग हो सकती है। आप आइए मेरे साथ में अंदर और एक बार पूरा बैंक्वेट हॉल देखिए। अभी ये पूरा खाली है, लेकिन जब आप कोई चीज़ बुक कराते हो, अगर कोई इवेंट करना चाहते हो, आप छोटा सा इवेंट करना चाहते हो, तो आपका स्टेज सामने लग जाता है और पूरा आप यहाँ पे खाना पीना सब कुछ मतलब इंजॉय कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो एक बार आप आइए, कुछ इस तरीके का आपको बैंक्वेट हॉल देखने को मिलता है और आपको कुछ इस तरीके की हेरिटेज प्रॉपर्टी ये देखने को मिलती है जो आज मैं आपको दिखाने लेके आया था। एक हेरिटेज प्रॉपर्टी आप यहाँ से भी देख सकते हैं किस तरीके का आपको व्यू देखने को मिल रहा है इस प्रॉपर्टी का। तो दोस्तों इस तरीके की कुछ आपको ये हेरिटेज प्रॉपर्टी सज्जन बाग द हेरिटेज प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई हो और अगर आप चाहते हो पुष्कर के अंदर कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंदर रुकना, तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक नई प्रॉपर्टी का आप मजा ले सकते हैं। तो अगर आपको ये पूरी प्रॉपर्टी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और नई नई वीडियोज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ की हम आपके लिए लेके आते रहें और आपको नई नई प्रॉपर्टीज़ दिखाते रहें। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कि पुष्कर आ रहे हों और कोई ऐसी प्रॉपर्टी में आना पसंद करते हो जो कि हेरिटेज हो। तो कुछ इस तरीके की आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।